अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने जीत लिया है चैंपियन ट्रॉफी का मैदान। दिल में है खुशी और चेहरे पे है मुस्कान। चैंपियन ट्रॉफी 2025 होस्टिंग राइट है पाकिस्तान के हाथ में। अल्लाह करे पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीतकर मजा ले होस्टिंग के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये बात कंफर्म हो चुकी है, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान अब होस्ट करने जा रहा है। वर्ल्ड की सब टीम एग्री होगी है पाकिस्तान में आने पर। ये डॉक्यूमेंट पर साइन भी हो चुके हैं। इंडिया का इशू था, इंडिया ने भी इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है कि पाकिस्तान होस्ट करेगा 2025 की चैंपियन ट्रॉफी। जी हाँ, ये खास बात है, एक खुशी की बात है। ये फैसला जस्ट नॉट ए क्रिकेट विक्ट्री, बल्कि ये एक नेशन के लिए फखर की बात है। पाकिस्तानी लोग ना सिर्फ इस जीत पर खुश हैं, बल्कि फखर महसूस कर रहे हैं। ये है एक खास मौका पाकिस्तानी टीम के लिए, दुनिया के सामने मनवाने का, दिखाने का कि हम भी है इस गेम का अहम हिस्सा। इंटरनेशनल टूर्नामेंट इतने सालों बाद पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये एक नया चैप्टर है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी टीम को ऐसी परफॉर्मेंस भी देनी चाहिए जितना बड़ा ये टूर्नामेंट होगा। कराची जहाज से उतरा हूँ तो वहाँ से मुझे अंदाजा हुआ कि कितने लोग एयरपोर्ट पे थे, और उसके बाद जब मैं घर पहुँचा तो मुझे खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब इतने लोग, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और जिस तरीके से लोगों ने वेलकम किया, आई थिंक वो जिंदगी भर हमेशा याद रहेगा। इंडिया ने फिलहाल के लिए तो इस पर साइन कर दी कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर सकता है। बात का पता नहीं, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये फैसला भी चेंज हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि पाकिस्तान किस ग्राउंड में इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये होस्ट करेगा। अगर 2023 का वर्ल्ड कप जो इंडिया ने करवाया था वो 10 ग्राउंड में करवाया था जो वर्ल्ड के बेस्ट ग्राउंड थे, पाकिस्तान की तरफ मैं देखता हूँ तो सिर्फ 4 ही ग्राउंड है जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल इवेंट ये करवा सकता है। 4 स्टेडियम है आपके पास, कराची, लाहौर, पिंडी इस्लामाबाद एंड पेशावर का रेडी हो रहा है, एंड मुल्तान। हु डजंट मैटर हु हैव द चेयरमैन इज, देयर प्लानिंग शुड बी हैपनिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फॉर 225। ये डेढ़ पौने 2 साल रह गए अभी से, प्लानिंग, वेन्यूज, अपग्रेडेशन ऑफ द स्टेडियम, कंफर्टेबल एग्जिट, कंफर्टेबल एंट्री, बाथरूम्स, फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर, खाने की, ये चीज़ें नॉर्मल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कुछ बनाना है। सिर्फ ये कि लास्ट मिनट पे नहीं चीजें करनी चाहिए, फिर कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। सिंस वी हैव इनफ टाइम अभी से इस चीज को, अभी से अपग्रेडेशन, नेशनल स्टेडियम हम रोज गुजरते हैं, बाहर रंग होने वाले, रंग में पैसे नहीं, मैं ये कल ही करा लूं। उसमें भी एक ग्राउंड में एक पिच का इशू चल रहा है रावलपिंडी में, ये आप सब लोगों को पता है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। दोस्तों हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं, क्या हमारे ग्राउंड्स में वर्ल्ड की बेस्ट फैसिलिटी है? हमारे पास तो पानी तक पीने को नहीं है खिलाड़ियों को देने के लिए। आप ये वीडियो चेक करें। टी20 कप शदीद बदनज़मी का शिकार हो गया। NBP ग्राउंड में खेले जाने वाले मैच में खिलाड़ी पानी पानी करते रहे। टीम मैनेजर पानी की तलाश में पूरे स्टेडियम में फिरते रहे। तफसीलात जानते हैं। बेटा पानी अभी पिया नहीं, यार एक काम करना, बोतल निकाल के दे, हां ला रहे, दे दे यार, आया ना पर खाना खा लो, दे दे यार, तू सामान दे, इधर टीम के साथ कोई नहीं यार, हमारी बोतल सीधी कर, बोतल तो बड़े बोतल सीधी करो, भरी हुई वाले जाके दे दे इनको, यहां ये ये दे निसार भाई, वहां किसको दे दिया आपने पानी? मुझे ने कितनी देर हो गई यार, मैच का आधा 10 ओवर हो गया यार, अबे ये कौन सा तरीका मैच चल रहा है सर, क्या अबे यार, ये कूलर भाई निकाल ले यार, भाई तू जा यार कूलर करके दे बस। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, इसको पाकिस्तानी अवाम पूरे दिल से सेलिब्रेट करेगी। दोस्तों सबसे बढ़कर आपका इस पर क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करेगा या इंडिया इस पर फिर से रिकावट करेगा।